एक बार फिर से स्वागत है इंग्लिश बाई आदित्य चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th CBSE का फ्लैमिंगो का पोएट्री सेक्शन, और यह है सेकेंड लेसन। तो ये है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर। सबसे पहले तो हम इसकी थीम जान लेते हैं, ये थीम क्या है, किस थीम पर लिखा हुआ है। जैसे कि इसका नाम है एन एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मीन्स होता है 1 to 5th का एक प्राइमरी स्कूल। स्लम, स्लम एक झुग्गी झोपड़ी। तो जब राइटर एक स्लम में जाता है और वहाँ के एक प्राइमरी स्कूल का विजिट करता है, तो वो क्या देखता है कि जो स्लम के अंदर जो बच्चों का जीवन है वो कैसा है, शिक्षा कैसी है, एजुकेशन कैसा है उनका एक्चुअली में, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स देर आर, क्लासरूम, हाउ दे आर सर्वाइविंग, ऑल दीज थिंग्स वो हमें बताना चाहता है। और इस सामाजिक अन्याय और क्लास इनइक्वलिटीज की भी वो बात करता है। तो देखते हैं इस लेसन को। तो इसमें चूंकि 4 stanzas हैं, देर आर 4 stanzas इन दिस पोएम। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा फर्स्ट। तो पहले स्टैंजा जिसमें बताया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हैं, जब वो जाता देखता है तो स्टूडेंट्स कैसे हैं, पहले पैरा में तो ये बताया गया है, पहले स्टैंजा में ये बताया गया है। सेकंड स्टैंजा में ये बताया गया है कि क्लासरूम कैसा है। एंड थर्ड स्टैंजा जिसमें बताया गया है कि वो कैसा जीवन जी रहे, और द लास्ट स्टैंजा वो विजिटर्स जो भी हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं और एनजीओज हैं, रिफॉर्मर्स हैं, समाज सुधारकों से वो निवेदन करता है कि ऐसे बच्चों की दशा पर ध्यान दिया जाए और इनको अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन प्रदान किया जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टैंजा की, समझते हैं इसको। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलोर, द टॉल गर्ल विथ हर वेग डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आईज, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नैरल्ड डिसीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अनोटेड स्वीट एंड यंग हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेखक पहली लाइन में बच्चों की जो फेसेस हैं उनके, उनको दूर से आती हुई लहरों से तुलना करता है, क्योंकि आमतौर पर बच्चे खुशहाल होते हैं, वह लहरों की तरह उछलते कूदते हैं, लेकिन इन बच्चों के बारे में जिसके बारे में वो बात कर रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि वो कुपोषण के शिकार हैं। उनमें वो खुशी, उनके चेहरे पर वो खुशी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए वो तुलना करता है लहरों से, चूँकि लहरें तो खुशहाल रहती हैं, तो जबकि यहाँ बच्चों के चेहरे हैं बिल्कुल पीले पड़े हैं, जैसे आगे लिखा हुआ है लाइक रूटलेस वीड्स। तो ये रूटलेस वीड्स मतलब होता है कि जंगली पौधे जो मतलब ऐसे ही उगाते हैं जिनमें कोई रूट नहीं होता है, अनवांटेड कह सकते हैं। तो वैसे ही लेखक कह रहा है ये बच्चे बिल्कुल अनवांटेड स्टूडेंट्स की तरह हैं, किसी को उनकी फिक्र ही नहीं है, किसी के उनके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। तो द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलोर, तो उनके बाल जो हैं
वो एकदम बिखरे पड़े हैं, मतलब कंघी नहीं है बालों में, बाल गंदे हैं, चेहरा एकदम पैलो और पीला पड़ा हुआ है, चेहरे में कोई ताजगी नहीं है, एनर्जी ही नहीं है। और आगे द टॉल गर्ल से देखते हैं, एक लंबी लड़की है जो सिर झुकाए हुए है, मतलब झुकाना क्या, लटका हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने सिर का वजन नहीं झेल पा रही है। कहीं ना कहीं इस स्टेंजा में ये एक शब्द है स्टंटेड, ये पोषण न मिला हो जिसको, तो ये कुपोषित हो ऐसा कुछ, समथिंग जैसे कि डेवलपमेंट जो होता है एक नॉर्मल बच्चे में, तो वो इनको उनसे ये वंचित हैं, डिप्राइव्ड हैं उनसे। तो एक लंबी लड़की है जो सिर झुका के बैठी हुई है, और एक दूसरा लड़का है द पेपर सेमिंग बॉय, जैसे द पेपर सेमिंग बॉय यहाँ पे बताया गया है कि इतना कमज़ोर सा लड़का, जैसे कि पेपर होता है ना उस जैसा, और जिसकी आंखें एकदम चूहे जैसी हैं, चूहे जैसी आंखों से मतलब है बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल मरा मराया सा चूहा, जिसकी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं और बाहर की ओर निकल आती हैं जैसे खाने पीने को न मिला हो, तो वैसा ही लड़का ये लग रहा है ना। और द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और एक और लड़का है जिसकी हड्डियां टेढ़ी हैं, और ये उसे कहाँ से मिली, ये बीमारी कहाँ से मिली, ये लिखा है इसमें रिसाइटिंग अ फादर्स नैरल्ड डिसीज, तो ये उसकी हड्डियां टेढ़ी हैं जो शायद उसके पिताजी के, पिताजी को भी यही बीमारी होगी तो उसी से उसने उसको प्राप्त हुई होगी। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, बैठा हुआ है डेस्क पर, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास यहाँ मतलब है कि वो क्लास में अंधेरा सा है, आगे आपको बताया जाएगा अगले पैराग्राफ में कि कैसी क्लास है, तो वो डिम क्लास वहाँ समझ में आ जाएगा। और पीछे की ओर एक अननोटेड, एक स्वीट एंड यंग, एक छोटा सा अच्छा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी आंखों में कई सारे सपने हैं, और वो क्लास में बैठा हुआ है लेकिन वो क्लास के बाहर देख रहा है, जहाँ पर जो स्क्वायरल्स हैं, गिलहरी हैं, वो एक ट्री रूम, एक पेड़ के एक खोखले में, पेड़ के जो खोखले होते हैं ना उसमें वो गेम्स जो गिलहरी हैं जो खेलती रहती हैं उनको देख रहा है। अदर देन दिस, इन सभी चीज़ों को वो देख रहा है, और क्लास में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो ये तो था हमारा पहला पैराग्राफ, अब हम दूसरे पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं।